फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा की रसोई में। तो आज की रेसिपी क्या है आप देखिएगा, और अगर पसंद आती तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो। ये गाइस, आज हम लेकर आए बहुत अमेजिंग सी ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये ले लिया है हमने एक बाउल चना दाल। देखिए बच्चों को दालें खिलाना बहुत काम होता है, ये हम समझते हैं, क्योंकि हमारे दो दो बच्चे हैं बिल्कुल दाल नहीं खाते हैं, मगर हमें किस तरह से खिलाना है ये हम भी सोचना पड़ता है। तो ये हमने ले लिया चने की दाल, क्योंकि आप लोगों को पता है बेसन और चना वगैरह हमारे बच्चों के लिए कितना सेहतमंद होता है इसलिए से। तो अब ले लिया हमने हाफ बाउल उड़द दाल। देखिए आप बिना छिलके की भी ले सकती हैं, हमने छिलके सहित लिया हुआ है, ठीक है, छिलके सहित ज़्यादा फायदा करता है इस वजह से लिया है। अब इसे हम 5 से 6 बार वॉश कर लेंगे। कोशिश ये करें कि ओवरनाइट के लिए आप भिगो करके रखें दाल को, क्योंकि ओवरनाइट करके भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छे से सोक करेगा। तो इसको चलिए हम धुल करके अच्छे से भिगो करके रख देंगे और फिर दिखाते हैं। गाइज ये हम क्या करेंगे, रात में ही ये बना करके रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें मॉर्निंग में बच्चों को लंच देना होता है, सुबह जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उतनी जल्दी नहीं हो पाता है कोई भी काम। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए हम तो ये दिन में ही भिगो रहे हैं, ठीक है, तो सुबह भिगो देंगे और शाम को सारी तैयारी करके रखेंगे। तो देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो इस समय हमने भिगो के रख देना है। दाल को सोक करना 8 से 9 घंटे आप जरूर सोक करें। वैसे तो आपको 2 घंटे में दाल सोक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब अच्छे से दाल सोक होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो देखिए बिल्कुल साफ पानी निकल आया है, ट्रांसपेरेंट। इसी तरह से हम ढक कर रख देंगे इसको भिगो करके 8 से 9 घंटे के लिए। तो देखिए कि क्या करना है, ये देखिए 8 से 9 घंटे हो गए हैं, हमारी दाल अच्छे से फूल गई है, ये देख सकते हैं सोक कर लिया है, इसे नेल से कट कर रहे हैं तो ये अच्छे से कट हो रही है। तो बस अब इसे हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए अब इसको अच्छे से पानी इसका निकाल दिया है, जो भी पानी इसमें होता है वो यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा प्याज चॉप कर लिया है बारीक, और हमने लहसुन ले लिया है, क्योंकि लहसुन बहुत ज़रूरी होता है, एसिडिटी वगैरह नहीं बनाता है लहसुन, तो पेट को भी सही रखता है लहसुन, आप अच्छे से जानते हैं, और गर्मी के टाइम पर प्याज भी फायदेमंद होता है, इसलिए इसी तरह से कट कर लिया है प्याज में ही। अब एक अपना प्रेशर कुकर चढ़ा देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे ऑयल। ये देखिए 2 बड़े स्पून हमने ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और अब क्या डालने वाले हैं, ये देखिए प्याज और लहसुन जो कट करके रखा था उसको डाल दिया, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए बच्चों को हेल्दी बनाकर खिलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें हल्दी डाल देंगे आप, ये ऑप्शनल है, हल्दी और धनिया पाउडर आप डालना चाहें डाल दें, ना डालना चाहें ना डालें, चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम डाल देंगे अपनी दाल, जो चने और मूंग की, सॉरी चने और उड़द की दाल रखी थी उसको हमें डाल देना है इसी तरह से। ये देखिए अब इसे क्या करेंगे, हम लाल मिर्च भी डाल देंगे। देखिए मिर्च हम थोड़ी कम ले रहे हैं मात्रा में, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हरी मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो हमने लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे अच्छे से क्या करेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। तो चलिए एक बात और गाइस, आप इसमें दालों को चेंज भी कर सकती हैं, अब डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार। दालों को चेंज करने का मतलब है उड़द की जगह पर आप मूंग की भी कर सकती हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकती हैं आसानी से, मगर यह है उड़द का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, इसमें बाइंडिंग देगा, ठीक है। चने की दाल में कोई बाइंडिंग नहीं होती, बहुत सूखी सी दाल होती है, इस वजह से उड़द की दाल डालना ज़्यादा बढ़िया होता है, प्रेफर करते हैं हम उड़द की दाल डालना, क्योंकि वो चने की दाल में बाइंडिंग देती है हमारे। तो आप देखिए 1 सीटी को हाई फ्लेम पर लगाना है और 3 सीटियाँ जो लगेंगी वो स्लो फ्लेम पर लगेंगी। तो देखिए अच्छे से हमारी सीटियाँ लग चुकी हैं और दाल देखिए कितना अच्छे से कुक हो गई है, और आप देख सकते हैं इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं है, बस दाल बिल्कुल सूखी ड्राई बन करके तैयार हुई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब देखिए रात हो गई है, ठीक है, अब ये तैयारी हम रात में ही करके रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, इतना सारा प्रोसेस हो गया है, अब इस दाल को अच्छे से ठंडी करेंगे। ठंडा करने के बाद में हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है, जितना सामान रखा था वही डाला हुआ है, सिंपल सा है। और आप देखिए इसको हम रात में ही निकाल कर रख देंगे और आप दाल देख सकते हैं कितने अच्छे से पिस गई है, बिल्कुल बच्चे जान नहीं पाएंगे, इतना अच्छे से दाल पिसी हुई है। तो चलिए अब इसको रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, क्योंकि हमें इसको मॉर्निंग में ही बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिएगा गाइस, अब हम डो लगा लेंगे, मॉर्निंग हो चुकी थी तो दाल को बाद में निकालेंगे, बाहर निकाल कर रख दिया फ्रिज से, और अब हम डो लगा लेंगे। तो हमें जितना आटा चाहिए था 2 बाउल हमने उतना आटा ले लिया है, और ये ले लिया है अजवाइन। देखिए अजवाइन बच्चों को पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, इस वजह से अजवाइन डालना जरूरी है, अजवाइन डाल देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक,
ये देखिए, क्योंकि हमने बैटर में तो नमक डाला हुआ है मगर आटे में नहीं डाला है, तो इसलिए आटे में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा देखिए, इसका डो लगाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग डो लगाने में गड़बड़ कर देंगे तो ये रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डो लगाएंगे। देखिए इसमें हमने कोई मोयन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि रोज़ रोज़ सिंपल बच्चे रोज़ रोज़ अगर मोयन वाला खाना खाएंगे ना तो दिक्कत करेगा। इस वजह से हमें घी और तेल, घी तेल का रिफाइंड का यूज़ कम करना है। आप घी यूज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए खस्ता। तो देखिए बिल्कुल नॉर्मल डो लगा के रखना, मतलब जैसे हम चपाती का डो लगाते हैं बस उससे भी हल्का पतला ही डो रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड डो नहीं रहेगा। अगर आप हार्ड डो कर दोगे ना तो ये कचौड़ियाँ बनाना आपको मुश्किल हो जाएगा। आप इसी से समझ गए होंगे कि हम आज चने की दाल की कचौड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को खिलाना बहुत आसान है, क्योंकि वो अंदर भरा होगा तो बच्चे जान नहीं पाएंगे और खाने में भी टेस्टी लगती है, ये देखिए। और आप चाहते हैं कि भरना नहीं चाहते तो आप डो लगाते समय ही आप दाल को अपने आटे में डाल कर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हम थोड़ा सा भर के बताएंगे इस तरह से बनाना, क्योंकि इसमें जो चाट मसाला हमने डाला है उसकी टेस्ट की वजह से बच्चे सारा का सारा खा लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चों को कौन सा मसाला अच्छा लगता है। किसी किसी को चाट मसाला अच्छा लगता है, किसी किसी बच्चे को मैगी मसाला अच्छा लगता है। तो हमारे बच्चों को मैगी मसाला या फिर चाट मसाला दोनों ही अच्छे लगते हैं। दोनों में से अगर कोई एक भी होता है खाने में तो वो बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बढ़ाते हुए अच्छे से भर लेना है। और अब देखिए इतना लूज डो लगाना है कि आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, बिल्कुल भी बिखरेंगी नहीं, बहुत अच्छे से बन करके तैयार होंगी। और बेलने का तरीका भी आप देख सकती हैं, रोलर से ऐसे बेलना है जैसे हम सीधा सीधा रोलर चलाना है। ये देखिए इस तरह से सिंपल सा सीधा सीधा रोलर चलाएंगे, हमको कोई भी घुमाना नहीं है कुछ, जैसे चपातियाँ बेलते हैं हमें उस तरह से नहीं बनाना है, सिर्फ सीधा सीधा रोलर से रोल करना। देखिए बनकर तैयार है इतनी मोटी। देखिए ये एक बात और, थोड़ी सी हम बड़ी बड़ी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा नखरालू हैं, वो गिनती की खाते हैं, पूरी कचौड़ी कुछ भी हो, मम्मा हम एक खाएंगे, मम्मा हम दो खाएंगे, इसलिए उनके लिए हम थोड़ा सा बड़ी बनाते हैं जिससे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लें। हर माँ की एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा लें या बच्चा पेट भर के खाना खा ले, समझ लीजिए कि माँ का पेट भर जाता है। तो उसी हिसाब से हम बनाते हैं खाने, तो थोड़ा सा बड़ी बड़ी बना रहे हैं जिससे कि बच्चों का पेट भर जाए। तो ये देखिए डो डालकर देख लिया है अच्छे से, आप कचौड़ी को हमने डाल दिया है ऑयल में। तो आप ध्यान ये रखें बहुत हाई फ्लेम पर ऑयल नहीं होना चाहिए, बस डालते ही हल्का सा बबल्स आना चाहिए ऑयल में बस। और देखिए हम छेड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी कचौड़ी को, ये खुद अपने आप ऊपर तैर कर आएगी तभी हम इसे देखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप हल्के से ऊपर आने लगी है तैर के। तो आप क्या करेंगे, करछी की सहायता से इसको हल्का सा रोटेट करेंगे, देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे डुलाएंगे और थोड़ा सा नीचे को प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारी कचौड़ी जो है वो फूल आएगी। देखिए हल्का सा प्रेस कर रहे थे और ये कचौड़ी देखिए बिल्कुल फूल कर आ गई है, और बिल्कुल भी देखिए आप कहीं से भी फटी नहीं है कचौड़ी, कहीं से भी ये ऑयल नहीं पिएगी और सारी की सारी कचौड़ियाँ इसी तरह से बन जाएंगी। तो आपकी कढ़ाई में जितनी स्पेस हो, बस जितना आप हैंडल कर पाएं कचौड़ियों को उतना ही आप बनाएं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम धीमी फ्लेम पर कुक करेंगे। गाइस इस तरह की कचौड़ियाँ खाने के बाद ना बच्चे आपके ना बाहर समोसा टिक्की चाटी कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी फेवरेट टेस्ट में मिल जाएगी कचौड़ी। तो अब इसी तरह से देखिए अच्छे से क्रिस्पी हम सेक लेंगे अच्छे से। तो देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम उनको निकाल कर रखेंगे बाहर। तो एक बात और गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करिए जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इसमें व्यूज़ कुछ डाउन चल रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मन उदास रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो बस हम ये नहीं कहते आपको पसंद नहीं आई तब भी लाइक कर दीजिए, मगर हाँ अगर पसंद आती है आप देखते हो तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए दिखाते हैं कचौड़ी को कट करके, ये देखिए कितने बढ़िया से कट हो रही है कचौड़ी, ये देखिए। और अभी देखेंगे आप इसको हम तोड़कर भी दिखाएंगे अच्छे से। देखिए हर कोने कोने में दाल कितनी अच्छे से भरी हुई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।